गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग जो CSIR में जल्दी पूछे जाते हैं या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं CSIR में। तो हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन, उससे रिलेटेड क्या है कुछ क्वेश्चन है जो अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग वन बाई वन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखो ये है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैव द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है। देखो ये सब सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, सी अर्चिन के जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या क्या सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस यहाँ पर क्या हुआ है दिया हुआ है, लेकिन ये सीक्वेंस किस फॉर्म में है, जंबल फॉर्म है, मतलब इधर उधर है। तो हम लोग को क्या करना है, इस सीक्वेंस को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करके अरेंज करेंगे और हम लोग को क्या करना है, ये ऑप्शन में से पता करना है कि कौन सा सीक्वेंस क्या है सही है। तो हम लोग जानते हैं कि होता क्या है कि अगर हम लोग एग को देखेंगे, ठीक है ना, सी अर्चिन का एग को देखेंगे, तो ये एग के सबसे बाहर का लेयर को हम लोगों ने क्या बोला था, जेली लेयर। उसके अंदर का लेयर को हम लोगों ने क्या बोला था, वाइटिलिन इनवेलप। ठीक है, और सबसे अंदर का लेयर को हम लोगों ने बोला था क्या चीज, एग मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो गया, एग मेम्ब्रेन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और ये क्या चीज है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, हम लोग बोलेंगे एग का क्या चीज है, साइटोप्लाज्म है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो फर्स्ट जो सिक्वेंशियल इवेंट हुआ था सी अर्चिन के केस में, ये सी अर्चिन का एग है, उसमें क्या हुआ था, कीमो अट्रैक्शन, उसमें क्या हुआ था, जो भी स्पर्म था वो सबसे पहले कहाँ आया था, हम लोग बोलेंगे कि जो जेली लेयर है उसके क्या में आया था, कॉन्टैक्ट में आया था। ठीक है, यही था स्पर्म का स्ट्रक्चर था ये। ठीक है, ये क्या था, स्पर्म है, किसका, सी अर्चिन का। तो फर्स्ट सिक्वेंशियल इवेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कीमो अट्रैक्शन, जिसके कारण क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे स्पर्म किससे कॉन्टैक्ट में आया था, एग के जेली लेयर के कॉन्टैक्ट में आया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, कहीं पर लिखा हुआ है, देखो हाँ, स्पर्म कॉन्टैक्ट जेली लेयर। तो इसका मतलब सबसे फर्स्ट जो सीक्वेंशियल इवेंट होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डी होगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया था उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली एक्रोसोमल रिएक्शन क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था इन केस ऑफ सी अर्चिन। ठीक है, तो सेकेंड सीक्वेंशियल इवेंट क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बिगिनिंग ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर कहीं लिखा हुआ होगा क्या चीज, देखो एक्रोसोमल रिएक्शन लिखा हुआ, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म कॉन्टैक्ट विथ जेली लेयर के बाद क्या स्टार्ट हुआ था, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या था, डी था, अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बी होगा, मतलब यहाँ पर कौन सा होगा, बी। इसके बाद कौन सा सिक्वेंशियल इवेंट था, तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे ही हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट में आया स्पर्म जेली लेयर के कॉन्टैक्ट में आया, तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या होता, हम लोग बोलेंगे ये जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है और ये जो स्पर्म का मेम्ब्रेन है, दोनों क्या हुआ था, एक दूसरे से क्या किया था, फ्यूज किया था ना। फ्यूज करने के बाद यहाँ पर जो भी एंजाइम था वो एंजाइम कहाँ निकला था, हम लोग बोलेंगे जेली लेयर में निकला था, और ये जेली लेयर को क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे डाइजेस्ट कर रहा था। तो थर्ड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डाइजेशन ऑफ क्या चीज, जेली लेयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए, डाइजेशन ऑफ जेली लेयर। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे हम लोग बोलेंगे डाइजेशन हो गया था क्या चीज का, जेली लेयर का, तो तब अब स्पर्म किसके कॉन्टेक्ट में आया होगा, हम लोग बोलेंगे वाइटिलिन इनवेलप के क्या में आया था, कॉन्टेक्ट में आया था, जिसके पास क्या रिसेप्टर था, बाइंडिंग रिसेप्टर था। तो यहाँ पर देखो कहीं पर लिखा हुआ होगा कि बाइंडिंग टू वाइटिलिन इनवेलप। तो इसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी होगा। अब उसके बाद हम लोग बोलेंगे जैसे ही स्पर्म वाइटिलिन इनवेलप के कॉन्टेक्ट में आया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्यूजन होगा, किसका, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और किसका, हम लोग बोलेंगे एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यही हो जाएगा क्या चीज, लास्ट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ई। तो यही ऑप्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट होगा। तो चलो अब इसको मैच करते हैं ऑप्शन से। देखो ऑप्शन फोर में देखो यहाँ पर डी भी है, डी बी ए ए सी और ई, तो ऑप्शन फोर इज क्या चीज, करेक्ट। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इन सी अर्चिन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है, इनकरेक्ट।
मतलब क्वेश्चन ये बोलता है कि कुछ स्टेटमेंट्स क्या हुआ है, दिया हुआ है रिगार्डिंग क्या चीज, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस पर भी इंक्रीज हो सी अर्चिन, ये सब स्टेटमेंट्स क्या हुआ है दिया हुआ है। अब हम लोग को पता करना है कि ये जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट्स क्या चीज हम लोग बोले इनकरेक्ट है, ठीक है ना, यही पता करना है। तो चलो जो भी हम लोग पढ़े थे उसी से कॉन्सेप्ट को निकालते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, सी अर्चिन में क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे दो टाइप का क्या हो रहा था, पोलिस्पर्मी हो रहा था। एक टाइप का हम लोगों ने क्या बोला था, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, ठीक है। दूसरा टाइप को हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने क्या बोला था, स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, ठीक है। फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी देखना, हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के 1 से 3 सेकंड के बाद ही क्या होने लगता है, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी स्टार्ट हो जाता है। और फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जो एग का मेम्ब्रेन था उसमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों ने देखा था +20 mV क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो एक का चे हो जाता है, ठीक है। एक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है, +20 mV। ये क्यों होता है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे जो सोडियम आयन बाहर था वो सोडियम आयन कहाँ आ रहा था, एक के अंदर आ रहा था, ये हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। और हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स ऑफ क्या चीज हो रहा था, पोटासियम आयन, मतलब पोटासियम क्या हो रहा था, एक से बाहर निकल रहा था। ऐसे एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड एग, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में क्या होता था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता था, पॉजिटिव हो जाता था, +20 mV हो जाता था। क्यों होता था, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड इफ्लक्स ऑफ क्या चीज, पोटासियम आयन। और ऐसा जब होता है तो ऐसे एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड एग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी के टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था। स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में हम लोगों ने देखा था कि स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी क्यों होता है, हम लोग बोलेंगे इस ये स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन होता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन किसके कारण होता है, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन के कारण होता है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे क्या क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस ऑफ क्या चीज, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है। ये क्या चीज हो गया, स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। कंक्लूजन ये है कि स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में क्या बनेगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनेगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा। फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो एक का जो मेम्ब्रेन उसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, फिर हम लोग बोलेंगे चेंज होगा, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी बोल रहा है ना, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में कौन सा स्टेटमेंट, चलो पहले ये देखते हैं कि ट्रू है, उसके बाद निकालेंगे कि फॉल्स क्या चीज है। तो देखो फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एग इज डीपोलराइज्ड, बिल्कुल देखो यहाँ पर क्या होता है, एग इज डीपोलराइज्ड, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। इट इज मेडिएटेड बाय कैल्शियम आयन, हम लोग बोलेंगे फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी कैल्शियम आयन से तो नहीं हो रहा, तो ये क्या वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इट इज इलेक्ट्रिकल एंड मेडिएटेड बाय सोडियम आयन पोटासियम आयन, बिल्कुल हाँ, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी किसके कारण हो रहा है, सोडियम आयन के कारण हो रहा है, और हम लोग बोलेंगे पोटासियम के कारण हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इट इज मेडिएटेड बाय द रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, नहीं, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज नहीं होते, ये कब होता है, स्लो ब्लॉक में होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ इनकरेक्ट है या फॉल्स है, तो एक हम लोग क्या बोलेंगे, ये बी और कौन, डी। तो ऑप्शन में देखो कहां बी एंड डी है, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या चीज़ है, बी एंड डी है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स कर दें, मतलब क्वेश्चन के यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, रिवर्स कर दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अगर मान लो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे रिगार्डिंग फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ए और एक क्या हो जाएगा, सी। तो उस टाइम पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ए एंड सी, कब, जब स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर दें, करेक्ट कर दें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट अगर आ जाएगा तो कौन सा ये होगा आंसर, ए एंड सी, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्राइमरी बोल रहा है कि प्राइमरी फंक्शन क्या चीज़ है, कॉर्टिकल रिएक्शन का। और हम लोग जानते हैं कि कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो इवेंट होता है, एक को हम लोग क्या बोले थे, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, दूसरा क्या था हम लोग बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस ऑफ क्या चीज, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ये कॉर्टिकल रिएक्शन का काम क्या था, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन का मेन काम क्या था या प्राइमरी काम क्या था, इसका मेन काम क्या था कि ब्लॉक
टू क्या चीज, पॉलीस्पर्मी, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो जहां ऑप्शन में हम लोग बोलेंगे ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होगा, वही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्टिकल रिएक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज चेंजेस द एग पीएच ऑफ एग साइटोप्लाज्म, नहीं ये नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ जायगोटिक न्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा, प्राइमरी फंक्शन नहीं है। सिक्रीट हायलुरोनिडेज एंजाइम, ये भी नहीं होगा, ये भी प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, हाँ बिल्कुल, पार्टिकल रिएक्शन का क्या काम है, हम लोग बोलेंगे पॉलीस्पर्मी से क्या करना, प्रिवेंट करना, या फिर हम लोग बोलेंगे ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वो क्वेश्चन क्या है, हम लोग बोलते हैं कि रिसैक्ट इज अ 14 अमीनो एसिड्स कीमोटैक्टिक पेप्टाइड विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से निकलता है, हम लोग बोलेंगे एक जेली लेयर से, या एक वाइटेली लेयर, एक मेम्ब्रेन, या हम लोग बोलेंगे स्पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द क्या चीज, सी अर्चिन। तो इसका क्या आंसर होगा, तो देखो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी एग होता है ना, एग का कितना लेयर होता है, तीन लेयर होता है, ये क्या हो गया सबसे बाहर का लेयर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, जेली लेयर। उसके बाद इसके अंदर का लेयर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने क्या बोला था, वाइटेलिन इनवेलप या वाइटेलिन लेयर। उसके बाद फिर उसके अंदर का लेयर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, एग मेम्ब्रेन। फिर क्या था, न्यूक्लियस था, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। तो जो जेली लेयर होता है ना, उससे ही क्या निकलता है, 14 एमिनो एसिड्स का क्या निकलता है, हम लोग बोलेंगे एक पेप्टाइड निकलता है। इस 14 एमिनो एसिड वाला पेप्टाइड का हम लोग क्या बोलते हैं, रिसैक्ट, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब ये रिसैक्ट हम लोग बोलेंगे किसको अट्रैक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स किस तरफ, ओवम। तो ये रिसैक्ट कहाँ से निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे जेली लेयर ऑफ द एग से निकल रहा है। तो कौन सा ये सही होगा ऑप्शन, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए, एग जेली लेयर, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड फाउंड इन वाइटेलिन लेयर, क्यूमुलस लेयर, एग सॉरी हाँ जेली लेयर एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स कौन से ये में मिलता है, लेयर में मिलता है, या फिर हम लोग बोलेंगे तो ये देखो इसको कैसे करके ये करेंगे सॉल्व। जैसे कि हम लोग देखेंगे, अगर एग को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, एग को अगर हम लोग देखेंगे, तो एग का बाहर का लेयर क्या चीज है, जेली लेयर है ना, ठीक है, उसके अंदर का लेयर वाइटेलिन। फिर क्या हम लोग बोलेंगे एग मेम्ब्रेन होगा, ठीक है ना। तो ये जो जेली लेयर होता है ना, उसी जेली लेयर में हम लोग बोलेंगे क्या चीज प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कुछ खास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेली फैक्टर्स, ठीक है। और इसी जेली फैक्टर्स या फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अगर ये स्पर्म है तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या हो गया, एक्रोसोम हो गया। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स फॉर फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स फाउंड इन कौन सा, हम लोग बोलेंगे जेली लेयर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये, विच प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, रो ए, रो बी, रो सी, या हम लोग बोलेंगे रो डी, मतलब कौन सा प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है एक्रोसोमल प्रोसेस को का फॉर्मेशन के लिए। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्रोसोमल प्रोसेस क्या होता है ना, एक्रोसोमल प्रोसेस में क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोम हुआ था, ठीक है। तो याद करो, जब मतलब ये मान लो जेली लेयर है, ठीक है ना, ये वाला कौन सा लेयर है, जेली लेयर ऑफ द एग, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जेली लेयर ऑफ द एग। इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला लेयर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाइटेलिन इनवेलप होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक वाला लेयर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एग मेम्ब्रेन होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा एग का, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस होगा एग का, यही कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ तक का जेली लेयर, ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलेंगे जो स्पर्म होता है वो जेली लेयर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो हम लोग बोलेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हुआ था, तो याद करो हम लोगों ने क्या देखा था, एक्रोसोमल रिएक्शन में ये क्या था, ये था स्पर्म था, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ये स्पर्म था, यहाँ पर क्या था, सेंट्रियोल था, यहाँ पर न्यूक्लियस था, यहाँ पर क्या था, एक्टिन प्रोटीन था, ये क्या चीज़ है था, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोम था ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, एक्रोसोम के अंदर क्या था, दो चीज़ था, एक क्या था, ये क्या था, बाइंडिंग प्रोटीन था,
बाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोमल एंजाइम था, और ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोम, और ये वाला क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज़, ये वाला स्पर्म, यही है ना। तो जैसे ही देखो स्पर्म जेली लेयर के कॉन्टेक्ट में आया, तो सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हुई, और उस एक्रोसोमल रिएक्शन में फर्स्ट इवेंट हुआ, फर्स्ट इवेंट क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, स्पर्म, यही हो गया। जैसे ही फ्यूजन होता है हम लोग बोलेंगे एक पाथवे बना, ठीक है, जैसे जैसे प्रोसेस आगे चलता चला जाएगा वैसे वैसे ये एंजाइम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जेली लेयर को क्या करेगा, डाइजेस्ट करता चला जाएगा, और अल्टीमेटली ये कैसा दिखने लगेगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली ये कैसा दिखने लगेगा, देखो ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखने लगेगा, देखो ये वाला, ठीक है, ठीक है। ये सारा एंजाइम कहाँ निकल रहा है, सारा मान लो यहाँ से, ये मान लो क्या चीज़ है, जेली लेयर है, मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ है, ये वाला जेली लेयर को मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि समझ में आए, जेली लेयर, ठीक है, यहाँ से आते तो सारा का सारा एंजाइम कहाँ निकल रहा है, जेली लेयर को डाइजेस्ट कर रहा है ना, ठीक है, डाइजेस्ट कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे फिर दूसरा इवेंट होता है, दूसरा इवेंट में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो आर एच और रो बी प्रोटीन। ये रो बी प्रोटीन क्या करता है, पॉलीमराइजेशन कराता है, किसका, एक्टिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन होगा। तो ये एक्टिन प्रोटीन क्या होगा, बाहर मतलब इस तरफ क्या होगा, एक्सटेंड होगा, जब ये एक्सटेंड होगा तो ये वाला जो मेम्ब्रेन है उसको भी ये क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंड कर देगा, और ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँच जाएगा, टुवर्ड्स द वाइटलिन इनवेलप तक पहुँच जाएगा। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन, या फिर हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या चीज़, एक्टिन प्रोटीन है, जिसके कारण क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब क्या है, ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला एक्रोसोमल प्रोसेस है, ठीक है। कंटेनिंग क्या चीज़, कंटेनिंग ये सब क्या है, बाइंडिंग प्रोटीन से, ये सब, ठीक है। तो सिंपल है कि एक्रोसोमल प्रोसेस को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन कैसे बनाएगा, तो हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन, जब एक्टिन प्रोटीन में होगा कैसे पॉलीमराइजेशन होगा, तो हम लोग बोलेंगे रो बी प्रोटीन क्या करता है, पॉलीमराइजेशन कराता है, किसका, एक्टिन प्रोटीन का, तब जाके क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल, एक्रोसोम होता है, जिसके कारण क्या बनता है, एक्रोसोमल प्रोसेस बनता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग बोलेंगे रो बी, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखो ध्यान से पढ़ो कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन प्रोवाइड्स ए डायरेक्शनल क्लू टू स्पर्म टुवर्ड्स ओवम, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन प्रोवाइड्स ए डायरेक्शनल क्लू टू स्पर्म टुवर्ड्स ओवम, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन प्रोवाइड्स ए डायरेक्शनल क्लू टू स्पर्म टुवर्ड्स ओवम, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन प्रोवाइड्स ए डायरेक्शनल क्लू टू स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसको कैसे करके करेंगे, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ ना इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब हो गया ना कि हमेशा सेल के अंदर जाना, ठीक है, और इफ्लक्स का मतलब क्या हो गया, सेल से कहाँ जाना, बाहर जाना, इसको याद रखना, ठीक है। तो हुआ क्या था, याद करो, हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम लोग बोलेंगे जो रिसेक्ट था, ठीक है, रिसेक्ट था, वो जैसे अपने रिसेप्टर से बाइंड किया था, स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वहाँ पर क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे रिसेक्ट, रिसेप्टर प्रेजेंट था, जैसे ही बाइंड किया था तो अंदर क्या बना था, हम लोग बोलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा वो ये पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे, साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। अब ये साइक्लिक जीएमपी क्या किया था, स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन चैनल क्या था, प्रेजेंट था। इस कैल्शियम आयन चैनल को ये क्या, साइक्लिक जीएमपी क्या करा, ओपन कराया, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का क्या हुआ, इनफ्लक्स हुआ, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। कहाँ से कहाँ कैल्शियम आया, बाहर से कहाँ आया, हम लोग बोलेंगे स्पर्म के साइटोप्लाज्म में आया, हेड के साइटोप्लाज्म में आया। अब ये कैल्शियम ही बोला जाता है कि क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शनल क्लू प्रोवाइड करता है, किसको, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को, ताकि वो किस तरफ मूव कर सके, हम लोग बोलेंगे ओवम की तरफ क्या हो सके, मूव कर सके। तो कौन सा ये ऑप्शन सही होगा, हम लोग बोलेंगे इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन प्रोवाइड ए डायरेक्शनल क्लू टू स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज नॉट प्रेजेंट इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, मतलब कौन सा कहीं कंटेंट या एंजाइम या जो भी हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, फोर्थ ऑप्शन ये है। तो कौन कौन नहीं मिलता, तो याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के हम लोग बोलेंगे 20 सेकेंड्स बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ स्टार्ट हो जाता है,
कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एग के पेरिफेरी में बनने लगता है। और इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या रहता है, कंटेंट्स रहता है। तो उस कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीएज रहता है। और क्या रहता है, तो हम लोगों ने देखा था म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स रहता है, या फिर हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन्स रहता है। और क्या रहता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या था, और क्या था, ये था पेरोक्सीडेज भी होता है, बिल्कुल हाँ पेरोक्सीडेज भी होता है, ठीक है। और क्या था, तो हम लोग बोलेंगे ट्रांस ग्लूटामिनेज भी होता है, ठीक है, और भी कुछ कुछ था, ठीक है ना, किसके अंदर, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर, ठीक है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या चीज में हेल्प करता है, लोब लोब टू पॉलिस परमी में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखो ये भी है, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स सेरीन प्रोटीएज ये भी रहेगा, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी रहेगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं गैग भी बोलते हैं, या ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन भी बोलते हैं, पेरोक्सीडेज भी रहेगा और ट्रांस ग्लूटामिनेज भी रहेगा। कौन नहीं रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कौन नहीं रहेगा, थ्रियोनिन काइनेज नहीं रहेगा। तो क्या चीज इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रियोनिन काइनेज नॉट प्रेजेंट इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परमानेंट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी मेडिएटेड बाय, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स इनटू द एग, सेकंड क्या है, इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, स्टोर्ड कैल्शियम आयन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द एग, और डी ऑप्शन में क्या है, ए एंड बी। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा था जो परमानेंट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होता है वो किसके कारण होता है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, वो किसके कारण होता है, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला चीज तो किसके कारण होता है, कैल्शियम आयन के कारण होता है, ठीक है, पहला चीज। लेकिन ये जो कैल्शियम आयन था वो याद करो, अगर मान लो ये एग है, तो एग का एग है, तो एग से कहाँ से ये कैल्शियम आयन आ रहा था, हम लोग बोलेंगे इस कैल्शियम, ये कैल्शियम आयन बाहर से अंदर नहीं आ रहा था, और ये कैल्शियम आयन कहाँ से आ रहा था, तो हम लोग बोलेंगे जो एग का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो स्टोर्ड कैल्शियम था वो कैल्शियम क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे बाहर आ रहा था, और ये कैल्शियम क्या करा रहा था, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन करा रहा था, और क्या करा रहा था, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स करवा रहा था, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, याद करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर लगा हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, IP3 रिसेप्टर, देखिएगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं सिग्नलिंग पाथवे में। जैसे ही IP3 अपने रिसेप्टर से बाइंड किया था, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक चैनल भी था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, कैल्शियम चैनल, वो कैल्शियम चैनल क्या हो गया था, खुल गया था, और कैल्शियम कहाँ से कहाँ आया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन से कहाँ गया था, साइटोप्लाज्म ऑफ द क्या चीज, एग ऑफ द एग, ठीक है ना। तो यहाँ पर और यही कैल्शियम क्या करा रहा था, हम लोग बोलेंगे परमानेंट ब्लॉक, या फिर हम लोग बोलेंगे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी को करवा रहा था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग बोलेंगे स्टोर्ड कैल्शियम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द एग, तो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या चीज है, वो क्वेश्चन है ये, ओवर एक्टिवेशन इज डन बाय, इसको हम लोग देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, रिसेप्ट अपॉन बाइंडिंग विथ इट्स रिसेप्टर कॉजेस द जनरेशन ऑफ साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, साइक्लिक CMP या साइक्लिक TMP। हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ का जनरेशन कराता है, तो याद करो ये रिसेप्ट निकल कहाँ से रहा था, ये रिसेप्ट निकल रहा था किससे, जेली लेयर से, क्या निकल रहा था, रिसेप्ट, हम लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है। और ये रिसेप्ट किससे जुड़ रहा था, हम लोग बोलेंगे स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वहाँ पर क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे रिसेप्ट रिसेप्टर से, ये क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्ट क्या हो रहा था, बाइंड कर रहा था, ठीक है। जैसे ही बाइंड कर रहा था तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक GMP का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था, किसका, स्पर्म के हेड के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ, साइक्लिक GMP का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अब ये साइक्लिक GMP फिर क्या कर रहा था, यहाँ पर कैल्शियम आयन चैनल था, इसको क्या कर रहा था, एक्टिव करा रहा था, तब जाके क्या हो रहा था, कैल्शियम अंदर आ रहा था स्पर्म के अंदर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, और यही कैल्शियम के कारण क्या मिल रहा था, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को पर्टिकुलर डायरेक्शनल क्लू मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, साइक्लिक GMP का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी, साइक्लिक GMP, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ओवम एक्टिवेशन, इसको मिटा रहा हूँ मैं,
देखो यहाँ पर क्या होता है, ओवम एक्टिवेशन। ओवम एक्टिवेशन का मतलब होता है तीन चीज। सबसे फर्स्ट जो चीज होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो चुका है, ठीक है। पॉलीस्पर्मी से भी हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली क्या हो चुका है, प्रिवेंट हो चुका है, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड। और हम लोग बोलेंगे थर्ड कि अब क्या होना है, क्लीवेज विल स्टार्ट। ये तीनों को मिला के हम लोग टर्म देते हैं ओवम एक्टिवेशन, एक्टिवेशन, ठीक है। और ये ओवम एक्टिवेशन क्यों हो रहा है, हम लोग बोलेंगे क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द क्या चीज, बिकॉज ऑफ द हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फॉर्मेशन के कारण हो रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है, ओवम एक्टिवेशन हो रहा है। मतलब फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो चुका है, पॉलीस्पर्मी भी कम्प्लीटली प्रिवेंट हो चुका है और क्लीवेज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ओवम एक्टिवेशन के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन होना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा था जब सिग्नलिंग पाथवे देखे, हम लोगों ने जो वीडियो में देखा था कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन का, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हुआ ये था कि जो एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये वाला क्या चीज़ है, मान लो ये एग का क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम प्रेजेंट था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, फोस्फोलाइपेज सी। और एक क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे एक लिपिड प्रेजेंट था, उस लिपिड को हम लोगों ने क्या बोला था, PIP2, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ था। और हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर और एक चीज प्रेजेंट था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप, ठीक है। ये एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था। जैसे हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हुआ, तब हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम एक्टिव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन काइनेज। ये टायरोसिन काइनेज क्या चीज को एक्टिव करता है, फोस्फोलाइपेज सी को। ये फोस्फोलाइपेज सी क्या करता है, ये जो PIP2 मॉलिक्यूल है, ये लिपिड है, इसको क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे दो न्यू मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, बोले थे IP3 या आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, दूसरा को हम लोगों ने क्या बोला था, डैग, ठीक है। अभी जो डैग है वो डैग क्या करता है, एक एंजाइम को एक्टिव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन काइनेज सी, ठीक है। अब ये प्रोटीन काइनेज सी फिर क्या करता है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप, इसको एक्टिवेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सोडियम का क्या होता है, इनफ्लक्स होता है सेल के अंदर। और हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का क्या होता है, इफ्लक्स होता है। हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, सेल से बाहर जा रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन सेल से बाहर जा रहा है, सोडियम सेल के अंदर आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे जो एग का जो साइटोप्लाज्म का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा, ठीक है। और इस एल्केलाइन पीएच हम लोग बोलेंगे ये इंडिकेट करता है कि क्या हो चुका है, ओवम एक्टिवेशन हो चुका है। मतलब क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो चुका है, पॉलीस्पर्मी से भी कम्प्लीटली प्रिवेंट हो चुका है। अब क्या होना है, हम लोग बोलेंगे क्लीवेज स्टार्ट होना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओवम एक्टिवेशन इज डन बाय इंक्रीज इन पीएच ऑफ द एग, ठीक है, इंक्रीज इन द पीएच ऑफ द क्या चीज, एग। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर, फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन द इंट्रैक्शन बिटवीन एग सरफेस एंड एक्रोसोमल प्रोटीन स्पेसिफिकली कॉल्ड बाइंडिन इज नेसेसरी। इसका मतलब ये बोल रहा है ये कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होने के लिए सी अर्चिन के केस में हम लोग बोलेंगे कि एग का जितना भी मेम्ब्रेन है या जितना भी लेयर है वो तो होने ही होना पड़ेगा, उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कि स्पर्म के पास जो बाइंडिन प्रोटीन है वो भी क्या होगा, नेसेसरी होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन हम लोग बोलते हैं द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड अफेक्ट दिस इंटरैक्शन एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा क्या फैक्टर्स होता है जो कि क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन को रोकता है या फिर हम लोग बोलेंगे प्रिवेंट करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर फैक्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि ऐसा कौन सा फैक्टर्स होता है जो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, तो वही हम लोग को पता करना है। तो क्वेश्चन को देखो, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे कैसे समझे,
हम लोग बोलेंगे फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग बोलेंगे कि एग का क्या होना पड़ेगा, जेली लेयर भी होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, वाइटेलिन इनवेलप भी होना पड़ेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ होना पड़ेगा, एग मेम्ब्रेन भी होना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं एग सरफेस, ठीक है। यहाँ पर क्या न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और हम लोग बोलेंगे अगर स्पर्म को हम लोग देखेंगे तो स्पर्म का भी क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे होना पड़ेगा, वो भी क्या है, हम लोग बोलेंगे सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म को देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस होगा, सेंट्रियोल होगा, यहाँ पर क्या क्या प्रोटीन था, एक्टिन प्रोटीन था, और ये क्या था, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोम था, और यहाँ पर क्या प्रोटीन था, एक्रोसोम के अंदर क्या प्रोटीन था, इसी सबको क्या बोले थे हम लोग, बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग बोलेंगे ये सब इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग प्रोटीन, एक्रोसोमल एंजाइम्स, एंड हम लोग बोलेंगे कि एग का क्या चीज, सरफेस, या फिर हम लोग बोलेंगे जो लेयर प्रेजेंट है एग में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो जेली लेयर था ना, जो जेली लेयर ऑफ द एग है उसमें क्या मिला था, हम लोग बोलेंगे जो जेली लेयर ऑफ द एग है उसमें हम लोगों को क्या मिला था, हम लोगों को ये मिला था, कुछ मॉलिक्यूल्स मिला था, उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोले थे, उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोले थे फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स। हम लोगों ने देखा था ये फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोले थे, जेली फैक्टर्स भी बोले थे, फाउंड ऑन दी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जेली लेयर, पहला चीज, ठीक है। और क्या मिला था, वाइटिलिन इनवेलप में क्या मिला था, हम लोग बोलेंगे वाइटिलिन इनवेलप में भी क्या मिला था, रिसेप्टर्स मिला था, और ये रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोले थे, ये रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोले थे, इस रिसेप्टर्स को हम लोग बोले थे बाइंडिंग रिसेप्टर्स, यही बोले थे। मतलब हो गया कि बाइंडिंग रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द वाइटलिन इनवेलप, फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स आर प्रेजेंट ऑन क्या चीज, जेली लेयर, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे स्पर्म कॉन्टेक्ट में आता है किसके, जेली लेयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो ये फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स का क्या मिलेगा, स्पर्म के हेड में क्या मिलेगा, रिसेप्टर्स मिलेगा, ये अपने रिसेप्टर से क्या होगा, जुड़ेगा। जैसे ही अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, एक्रोसोमल रिएक्शन, और ये जो उसके बाद हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन होगा आर्म का, सॉरी आर्म बोल रहे, एक्सटेंशन होगा एक्रोसोम का, और यहाँ पर जो बाइंडिंग प्रोटीन्स है देखो यहाँ पर, वो बाइंडिंग प्रोटीन्स अल्टीमेटली किससे जाके जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे अपने बाइंडिंग रिसेप्टर से, जो कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे वाइटिलिन इनवेलप ऑफ द एग में क्या है, प्रेजेंट है। तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए इंट्रैक्शन होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये इंट्रैक्शन होना पड़ेगा। तो पहले देखो, अगर हम लोग रिमूवल ऑफ जेली एग जेली पॉलीसेक्राइड्स, अगर हम लोग एग जेली पॉलीसेक्राइड्स का मतलब यहाँ पर हो गया क्या चीज, फ्रुक्टोज कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स को अगर हम लोग हटा देंगे, पहला चीज कि अगर हम लोग बोलेंगे कि रिमूव कर देंगे किसको, फ्रुक्टोज कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स को हम लोग क्या कर दिए, हटा दें, तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल, हम लोग बोलेंगे नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल होगा, ठीक है। दूसरा देखो, रिमूवल ऑफ बाइंडिंग रिसेप्टर ऑन द एग वाइटिलिन मेम्ब्रेन, दूसरा ये बोल रहा है कि अगर हम लोग बाइंडिंग रिसेप्टर्स को भी क्या कर दे, एग का जो वाइटिलिन इनवेलप या मेम्ब्रेन उसे हटा दे, तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये दो ऐसा फैक्टर होगा जो कि अगर जिसको हम लोग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी चलो पढ़ लेते हैं, अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ बाइंडिंग रिसेप्टर्स फ्रॉम एग जेली। देखो सबसे पहला चीज तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि बाइंडिंग रिसेप्टर कभी भी एग जेली में नहीं मिलता है, जेली लेयर में कभी भी बाइंडिंग रिसेप्टर नहीं मिलेगा, वो हमेशा कहाँ मिलेगा, वाइटिलिन इनवेलप में। और अगला बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स फ्रॉम वाइटिलिन इनवेलप, फ्यूकोज कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स हमेशा किस में मिलेगा, जेली लेयर में मिलेगा, वाइटिलिन इनवेलप में मिलेगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट ही क्या, हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए देखो यहाँ पर, द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड अफेक्ट दिस इंट्रैक्शन एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कौन कौन फैक्टर्स फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा या रोकेगा, तो हम लोग बोलेंगे ए एंड बी, अगर होगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, हम लोग बोलेंगे ए एंड बी वाला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन डिमांड्स स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन प्रोटीन्स एंड द रिसेप्टर्स ऑफ द स्पर्म एंड द एग्स। मतलब ये बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे स्पर्म और एग के बीच में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होता है और कुछ रिसेप्टर्स होता है, उसका इंट्रैक्शन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं इन व्यू ऑफ द अबव
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए, उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन क्या चीज है सही है। तो हम लोग को देखना है सबसे पहला कि वही कॉम्बिनेशन सही होगा जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ होगा, रिसेप्टर्स और जो प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग सबसे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है ना, बाइंडिंग इन एक्रोसोम एंड बाइंडिंग रिसेप्टर इन एग वाइटिलिन मेम्ब्रेन, ये सही लग रहा है। जैसे कि देखो अगर हम लोग स्पर्म को देखेंगे, ठीक है ना, तो ये स्पर्म का क्या हो गया, ये स्पर्म का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोम हो गया, और इस एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। और ये बाइंडिंग प्रोटीन का रिसेप्टर कहाँ मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा लेयर में मिलता है। अगर मान लो ये कौन सा लेयर है, ये मान लो जेली लेयर है, ये क्या चीज़ है, वाइटिलिन इनवेलप या लेयर है, ये क्या चीज़ है, एग मेम्ब्रेन है। तो वाइटिलिन इनवेलप में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे किसका रिसेप्टर मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग रिसेप्टर्स मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे स्पर्म का बाइंडिंग प्रोटीन एग के वाइटिलिन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ये, यहाँ पर ये बोला है कि पॉलीस्पर्म रिजल्ट्स व्हेन टू और मोर स्पर्म्स फर्टिलाइज एन एग, मेनी स्पीसीज देयरफॉर हैव टू ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी, द फास्ट ब्लॉक एंड द स्लो ब्लॉक, इन केस ऑफ सी अर्जिन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि पॉलीस्पर्मी के केस में क्या होता है, मोर देन वन स्पर्म क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एग से फर्टिलाइज करता है ना, तब हम लोग बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट होने के लिए हम लोग बोलेंगे बहुत सारा स्पीसीज ऐसा होता है जिसके पास क्या है, हम लोग बोलेंगे दो मेकानिज्म डेवलप है पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करने के लिए। तो पहला जो पॉलीस्पर्मी से बचने का मेकानिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, दूसरा मेकानिज्म को क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। लेकिन सी अर्जिन के केस में क्या है, ये सब कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, ठीक ना, रिगार्डिंग क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे पॉलीस्पर्मी। तो कौन सा स्टेटमेंट क्या है, हम लोग बोलेंगे ट्रू है, या फिर हम लोग बोलेंगे कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लो और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो, इन केस ऑफ सी अर्जिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब क्या दिया हुआ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिया हुआ फर्टिलाइजेशन के टाइम किसका, सी अर्जिन का। तो कौन सा आप लोग बोलेंगे सीक्वेंस सही है, ऑप्शन वन वाला सीक्वेंस सही है, ऑप्शन टू वाला सीक्वेंस ऑफ इवेंट सही है, ऑप्शन थ्री वाला या फोर वाला, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, तो देखो और एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये वाला है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग को 1, 2, 3, 4 जो भी है ये चारों में से कोई कौन सा ग्राफ क्या है ट्रू है वो बताना है हम लोग को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग ये जानते हैं, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मतलब जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीस्पर्मी होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। लेकिन पॉलीस्पर्मी से पहले की कंडीशन, मतलब जब हम लोग बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग था तब का कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनफर्टिलाइज्ड एग को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इस अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या क्या था, तो हम लोग बोलेंगे ई बी आर वन था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, बाइंडिंग रिसेप्टर था, सोडियम आयन था और क्या था, पोटासियम आयन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला, ये जो ग्राफ है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये मिली वोल्ट में है, इस तरफ वाला पार्ट क्या हम लोग बोलेंगे सेकेंड्स में है, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइम, और ये वाला पार्ट क्या चीज़ है, कॉन्सेंट्रेशन है किसका, हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन का, पोटासियम आयन का, और हम लोग बोलेंगे EBr1 का, ठीक है ये। और ये ग्राफ क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर, कब ये कब का है, हम लोग बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग के टाइम का है, ठीक है, ये वाला ग्राफ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के 1 से 3 सेकेंड के बाद हम लोग बोलेंगे कि कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सा ग्राफ हम लोग बोलेंगे सही रिप्रेजेंट करेगा, फिर कौन सा ग्राफ क्या है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रू है। तो यहाँ पर देखो कैसे करके इसको निकालते हैं, आंसर को देखो,
देखो बहुत तरीके से निकाल सकते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इस एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जो हम लोग पढ़े थे। हम लोग पढ़े क्या थे कि अगर हम लोग एग को देखेंगे तो एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर, तो बाहर की तरफ क्या ज़्यादा होता है, देखो बाहर की तरफ क्या ज़्यादा होता है, हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अंदर की तरफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसको दूसरे तरीके से कि बाहर क्या होता है, पोटासियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, अंदर क्या होता है, पोटासियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस टाइम पे अगर हम लोग, ये कब का है, जब एग इज अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है, ये इस टाइम का, इस टाइम पे अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे इस एग में, तो यहाँ पर कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे -70 mV आएगा चार्ज डिफरेंस, ठीक है। ये कब है, एग इज व्हेन द एग इज अनफर्टिलाइज्ड। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, इनफ्लक्स होता है। मतलब सोडियम कहाँ से कहाँ आता है, हम लोग बोलेंगे बाहर से कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है, यही है। बाहर से अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के 1 से 3 सेकंड के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, फास्ट ब्लॉक टू कोलिस फॉर्मिंग, जिसमें क्या होता है सोडियम बाहर से अंदर आता है, और बाहर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, अंदर क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और पोटासियम क्या होता है, ध्यान से देखना, पोटासियम का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स होता है। मतलब पोटासियम का, पोटासियम एग से बाहर की तरफ रिलीज होता है। बोलने का मतलब ये हो गया कि बिफोर फर्टिलाइजेशन सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बाहर ज़्यादा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे पोटासियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हम लोग बोलेंगे बाहर क्या है, ज़्यादा है। और इस टाइम पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चार्जेस का डिफरेंस, वो कितना होता है, +mV, ठीक है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं ईच एंड एवरी ग्राफ में। सबसे पहले देखो हम लोग ये वाला ग्राफ में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था पहले कितना था, -70 से बढ़ के कितना हो गया, +20। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले कितना है, -50 है ना, ठीक है, -50 है। अब वो क्या हो गया, घट है, मतलब जो भी है -100 हो गया। तो ये वाला ग्राफ तो हो गया ही नहीं, ठीक है, पहला चीज़, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला ग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इनिशियली क्या था, हम लोग बोलेंगे ये 50 है ना, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे -60, यहाँ पर क्या होगा -70, ये सही है, ठीक है। -70 से देखो क्या हुआ, जैसी फर्टिलाइजेशन हुआ 1 से 3 सेकेंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो गया, +20 mV। तो देखो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे +20 mV, ये 0 है। यहाँ पर क्या होगा, +10 होगा, यहाँ पर क्या होगा, +20 हो गया, +20 mV हो गया। मतलब ये ग्राफ क्या है, सही हो सकता है ये ग्राफ, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम लोग चलो +20 mV हो गया। अब हम लोग देखो EBR रिसेप्टर को देखते हैं, EBR1 को देखते हैं। EBR1 तो जितना है एग में उतना रहेगा, तो ये तो चलो ये कांस्टेंट है, बिल्कुल रहेगा ये। हम लोग सोडियम आयन को देखते हैं, Na+ को, ठीक है। तो Na+ को अगर हम लोग देखेंगे तो ध्यान से देखो, Na+ का क्या हुआ, इनफ्लक्स हुआ, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन Na+ क्या हुआ, अंदर आया, सेल के अंदर आया, एग के अंदर आया। तो मतलब एग के अंदर क्या चीज़ है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हम लोग बोलेंगे ज्यादा, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 1 से 3 सेकंड के बाद। और हम लोग बोलेंगे चूंकि पोटासियम क्या हुआ है, बाहर निकला है एक से, इसीलिए पोटासियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हम लोग बोलेंगे कम है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ये ग्राफ क्या हो सकता है, सही हो सकता है, मतलब ये ग्राफ होगा, इसका आंसर क्या होगा, यही ग्राफ होगा। अब देखो और भी ग्राफ है, उसमें अप्लाई करते हैं हम लोग। चलिए इस ग्राफ में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है, -50 mV है ना, -50। यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या है, -60 -70, ठीक है। चलो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, +20 mV हो गया। देखो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे +20 mV, बिल्कुल हो गया, ठीक है। लेकिन +20 mV के बाद ये फिर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, +50 से भी ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता है ये ग्राफ। और वैसे भी देखो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, सोडियम का क्या हुआ है, इनफ्लक्स हुआ, मतलब सोडियम सेल के अंदर आया, तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, घटा हुआ है, तो ये हो नहीं सकता। और पोटासियम क्या हुआ, सेल से बाहर निकला, बाहर निकला इन द सेंस क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर पोटासियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मतलब एक के अंदर कम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया है, ज़्यादा दिखाया है। तो ये पॉसिबल नहीं, मतलब ये ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो पोटासियम से हम लोग चलते हैं, पोटासियम का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पोटासियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला ग्राफ क्या होगा, सही होगा। इसीलिए ये ग्राफ्स, इसीलिए भी ये ग्राफ्स
सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पोटासियम का कॉन्सेंट्रेशन देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, सेल से बाहर निकला है, मतलब पोटासियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो बिल्कुल कम है। सोडियम सेल के अंदर आया है तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। EBR रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग के वाइटलिन एनवेलप में मिलेगा, तो EBR रिसेप्टर का कॉन्सेंट्रेशन तो बिल्कुल सेम रहेगा, सही है ये। और यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन -70 mV था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, बढ़ गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो गया, +20 mV। तो यहाँ पर क्या था देखो -70 mV था, अब ये बढ़ के कहाँ क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे +20 mV हो गया। मतलब ये वाला जो ग्राफ है यही ग्राफ क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, CSIR का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायो से, आप लोग उसको सर्च कीजिए उस क्वेश्चन को और उसको क्या कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन, जो भी क्वेश्चन था CSIR रिलेटेड वो मैंने आप लोगों को करवाया। अब आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन सर्च करके आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू।